मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पालमपुर के नगरी में भाजपा युवा सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर कांगड़ा चंबा से सांसद शांता कुमार, लोकसभा प्रत्याशी किशन कपूर, प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार, कृपाल परमार सहित भाजपा नेता मौजूद रहे। प्रत्याशी किशन कपूर ने लोगों से भाजपा के लिए वोट की अपील की। वहीं सीएम जयराम ने अपने संबोधन में कहा कि हम मोदी भाजपा को वोट नहीं मांग रहे, देश की रक्षा सुरक्षा को लेकर वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज युवा पीढ़ी में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस पीएम के युवा राहुल की बात कर रहे हैं, इसमें बेशक राहुल उम्र के हिसाब से युवा हैं, लेकिन युवाओं की पसंद पीएम मोदी हैं। सीएम ने कहा कि मोदी का काम करने का तरीका जनता की समस्याओं को समझना और इस देश को बदलना ही उनका एकमात्र मकसद है। जा रहे हम वोट देने, और मुझे लगता कि एक प्रश्न से सारी बातों का जवाब आ गया। एक बच्चा जो पहली बार वोट डाल रहा है, उसके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई किसी तरह का कोई संशय नहीं है, स्पष्ट है कि किसको देना वोट, क्यों देना वोट। हमने कभी नहीं कहा उनको कि आप मोदी जी के लिए वोट करिए, हमने ये भी नहीं कहा कि भाजपा के लिए वोट करिए, हमने कहा कि वोट क्या सोच करके देना है। उन्होंने एक ही बात कही कि अब की बार का वोट देश की रक्षा सुरक्षा के लिए, जिस नेता के हाथ में देश सुरक्षित है उसके लिए वोट जाएगा। स्वाभाविक रूप से उसमें नाम लेने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है, उसमें सीधी सी बात है कि बच्चों का नौजवानों का वोट सीधा भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र भाई मोदी जी को आ रहा है। इसलिए मैं नौजवानों के साथ में इस बात को कहना चाहता हूं, आप जाएं, जितने भी नौजवान जो जिनका पहली बार वोट पड़ना है, उन लोगों से संपर्क करें, आप उन लोगों के बीच में अपनी बात कहें। और मैं इस बात को कह सकता हूं, उम्र के हिसाब से तो राहुल युवा है, लेकिन यह भी बहुत विचित्र बात है, अभी राहुल गांधी की शादी भी नहीं हुई है, अब उम्मीद है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक हमारे देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी से उम्र ज्यादा है। लेकिन आप देखिए, अगर 10 युवाओं को पूछा जाए कि आप युवा होने के नाते आप बताइए आप इन दोनों में से किस नेता को पसंद करते हैं, 10 में से 10 के 10 लोग बोलेंगे नरेंद्र भाई मोदी को हम चाहते हैं। ये अंतर है, और हमारे कांग्रेस के मित्रों को तो हमें समझ में नहीं आता है, चीखना खूब चिल्लाना खूब आता है, चीख चीख करके बोलते हैं। पिछली बार जब मोदी जी को प्रधानमंत्री के लिए हमारी पार्टी ने घोषित किया तो कांग्रेस के अधिवेशन में कई तरह की टिप्पणी की कि चाय वाला प्रधानमंत्री बनेगा, देश के लोगों का क्या दिमाग खराब है, ऐसी टिप्पणियां की। और इनके एक नेता मणिशंकर अय्यर ने तो ये तक कहा था कि हाँ मोदी जी अगर चाय बेचना चाहते तो हमारा यहाँ पर कांग्रेस का जो हमारा गोदवाहर कंक्लेव चल रहा है, इस कंक्लेव के बाहर यहाँ पर थोड़ी सी जगह देकर के हम 30 स्टॉल लगाना चाहते हैं, वो लगा सकते। कितनी भद्दी टिप्पणी, जो देश के बहुत बड़े राज्य के 3 बार लगातार मुख्यमंत्री के पद पर, और जिनको भारतीय जनता पार्टी जो देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ने प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया, उसके बारे में इस प्रकार की टिप्पणी, क्योंकि कांग्रेस के दिमाग में सत्ता का नशा था। वहीं सांसद शांता कुमार ने कहा कि उन्हें खुशी है जिस प्रदेश की जनता की सेवा की उस दायित्व को जयराम ठाकुर बखूबी निभा रहे हैं। शांता कुमार ने कहा अब मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है, पिछले 50 सालों से शासन किया, अब निभाने की बात की जा रही है। शांता कुमार ने कहा कि बीजेपी को जब भी जनता ने आशीर्वाद दिया है भाजपा ने निभाकर दिखाया है। प्रदेश में सीएम जयराम ने कुछ ही समय में कई विकास योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि देश में बीजेपी सरकार बनना तय है। शांता कुमार ने कहा कि किशन कपूर को अपार सफलता के लिए वे खुद लोगों के बीच में हैं। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, हम विस्तार से श्री जयराम जी को सुने, कुछ इतना ही कह रहा है। सभी पार्टियां अपने अपने मैनिफेस्टो लेकर आपके सामने आ रही, हम ये करेंगे। और कांग्रेस ने जो अपना चुनाव घोषणा पत्र दिया उसका शीर्षक दिया हम निभाएंगे। 50 साल, एक परिवार की 4 पीढ़ियां दिल्ली में राज करती रही, और 50 साल के बाद आपको कह रहे हम निभाएंगे। आज तक क्यों नहीं निभाया, 50 साल राज्य किया तो नहीं लड़ूंगा, राजनीति में हूं, आपके पास रहूंगा। और मुझे इस बात की भी खुशी है
जब मैं इतने लंबे समय के बाद लगभग 55 साल के बाद आज से इतने वर्ष पहले पहला चुनाव लड़ा और 66 साल पहले मैंने राजनीति शुरू की, तो मैं अपनी पुरानी चुनाव की राजनीति को जब छोड़ रहा हूं लोकसभा को, तो उस स्थान पर हिमाचल प्रदेश के एक बहुत योग्य कार्यकर्ता जिन्होंने मंत्री के रूप में एक बहुत बढ़िया काम किया है, ऐसे श्री किशन कपूर जी को आपके सामने लाया हूं, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं सचमुच अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं। जो जो जिम्मेदारी निभाने की जिम्मेदारी आपने मुझे दी, आज उन सब जिम्मेदारियों पर